Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of concerned authorities towards the problem of dash dash dash. Guys, कुछ याद आया? 12th class की याद आई? याद होगा आपको 12th class में टीचर हमें letter to the editor कराया करती थी. Formal letter होता था जिसमें हम newspaper को letter लिखते थे. और उसमें जो introductory paragraph होता था वो यही होता था. Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of. I would like to draw the attention of. और गाइस आपने कमेंट में यही पूछा है. कमेंट पढ़ के मुझे 12th क्लास की याद आ गई थी, इसलिए मैंने आपको ये इससे शुरू किया है ये वीडियो को. तो आपने पूछा है मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहती हूँ या फिर मैं आपका ध्यान इस और ले जाना चाहूँगी. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आप इसे ऐसे ही बोलेंगे, मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स दिस, वट एवर द प्रॉब्लम इज यू विल राइट दैट. और अगर आपको बोलना हो मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहूँगी, I would like to draw your attention towards the problem of, जो भी आपकी problem है. तो guys आपको ये दोनों sentences समझ आ गए होंगे और आपको शायद अपनी 12th class की भी याद आ गई होगी. और अगर 12th class की याद आई है तो comment section में ज़रूर बताइएगा. Thank you so much for watching the video.